सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। आज के बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार के अंदर मैं मनीष चोपड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड इन मोदीगर, आपका वेलकम करता हूं। और इस दिन का बड़ा बेसब्री से हमें इंतजार होता है दोस्तों, जब वेडनेसडे आना होता है और 7 बजने होते हैं, क्योंकि हर हफ्ते हम किसी ना किसी बढ़िया सक्सेस स्टोरी को बुलाते हैं इस जूम सेमिनार के अंदर। और आज जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह भी है, लेकिन उनको हम शताब्दी एक्सप्रेस भी बोलते हैं, बुलेट ट्रेन भी बोलते हैं, एक्साइटमेंट का पावर हाउस भी बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि सर खुद अपने बारे में बताएं कि दो किस बैकग्राउंड से हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते। आज अब तक मोदी केयर से वो 1 करोड़ रुपया कमा चुके हैं दोस्तों, 2 गाड़ियां ले चुके हैं, 50 लाख का घर बना चुके हैं। और कोई टाइम था दोस्तों, पानी का पाउच बेचा करते थे, निर्मा कंपनी में जॉब करते थे, अखबार करते थे और पापा उनके ठेला लगाते थे। कहां से लेकर कहां तक वो पहुंचे, आज वो डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ उनको इनवाइट करूंगा। सो प्लीज हेल्प यू वेलकम आवर क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर विजय अग्रवाल फ्रॉम बड़ौदा। विजय सर, नमस्कार। सर वेलकम। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सारे लोगों को। और मुनीश जी, मुनीश चोपड़ा जी को मेरा दिल से नमस्कार कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया आप लोगों से बात करने के लिए। तो एक बार तो मुनीश चोपड़ा जी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आप जहां कहीं भी है, पूरे दिल पूरी आत्मा से एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए ताली होनी चाहिए कि जिन्होंने जो हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिलना ये नसीब की बात है, राइट है। पर उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत ये है कि आपके पास जो अपलाइन है, राइट है, उनकी शख्सियत भी अपने आप में, मतलब कहते हैं कि दिए को सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो मुनीश सर, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे वेलकम किया और हम लोग मिलके इस इंडस्ट्री को डेवलप कर पा रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। तो सारे मोदी कैरियंस को मैं विजय अग्रवाल तहे दिल से नमस्कार करता हूं, तहे दिल से आप सारे लोगों का वेलकम करता हूं आज की मीटिंग में। और मुनीश चोपड़ा सर, आपका दिल से थैंक यू क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया, आज आपसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिला, आपकी टीम से मुझे मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आज मेरे व्यक्तित्व के बारे में बताने से पहले मैं उस शख्सियत के बारे में आपको बताना जरूर चाहूंगा, राइट है। मैं कहता हूं कि मेरा सबसे पहला प्रणाम है मेरे गुरु के चरणों में, और मुझे एक पानी के पाउच बेचने वाले को, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को आज आप लोगों के सामने बात करने के काबिल बना दिया। ऐसे ग्रेट मेंटर, ऐसे ग्रेट अपलाइन मेरे श्री अल्पेश गजर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम के लिए जोरदार तालियां, कि जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों से बात करने के काबिल हुआ हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने एक बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, पढ़ी होगी, यस और नो? यस सर। मैंने उस बुक को जिया है। मेरे पास 2 पिता हैं, एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक दूसरे पिता जिन्होंने मुझे मोदी केयर में मेंटरशिप दी, मोदी केयर में मुझे डेवलप किया और आज आप लोगों के साथ में बात करने लायक बना हूं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी चीज को लेकर आज मैं आपके सामने बैठा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल आप लोगों का इस जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों के लिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने वाले द ग्रेट व्यक्तित्व मिस्टर समीर मोदी जी, राइट है, मिस्टर समीर मोदी जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतना मोदी केयर जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया। दोस्तों, मैं विजय अग्रवाल बड़ौदा में रहता हूँ, उम्र 27 साल, एजुकेशन 10वीं पढ़ा लिखा हूं, और इस बिजनेस को मोदी केयर इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, पापा सब्जी की लारी लगाते थे, 10x10 के घर में हम लोग रहते थे। मैं उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहां पर किसी बच्चे के लिए ये सोचना तक मुश्किल था कि वो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए की जॉब भी कर लेगा अपनी लाइफ में, राइट। 14 साल का तब से मैं काम कर रहा हूँ, घर घर न्यूज़पेपर डालने के सिवा हर वो काम जो मैंने सोचा है, राइट, आप सोच नहीं सकते वो सारे काम मैंने किए हैं मोदी केयर के आने से पहले। दोस्तों, जब मोदी केयर इंडस्ट्री में आया था तो
मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जब मुझे, मेरा एक मित्र था, मतलब मैं जो इस इंडस्ट्री में आया उससे पहले घर घर न्यूज़पेपर डालने का काम तो मैं करता ही था। सुबह चार बजे उठता था और सुबह रात को 12 बजे तक काम करता था। मतलब सुबह 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, 7 बजे घर पे वापस आता था मेडिकल स्टोर, उसके बाद में निर्मा कंपनी में जॉब जाता था, राइट, और उसके बाद में वहां से आने के बाद में मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। सुबह चार बजे से लेकर राइट है रात को 12 बजे तक मैं काम करता था। तब मुझे 4800 से 5000 रुपया मिलता था, और वो 4800 से 5000 रुपया जब मैं लेकर जाता था, आप यकीन मानना वो 4800 से 5000 रुपया मेरे लिए 5 लाख के बराबर होता था। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट ये था मेरे लिए कि जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, राइट, उससे पहले मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा, राइट, मैं निर्मा कंपनी से उठ के घर जा रहा था, और जब मैं घर को जा रहा था तो मेरा दोस्त मुझे मिला और उसने मुझसे कहा कि विजय भाई पैसा कमाना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ भैया कमाना चाहता हूँ। बोले विजय भाई आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ बढ़ना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति आज, आप भी मोदी केयर में किस लिए है? पैसा कमाने के लिए। आप लोग मोदी केयर में किस लिए है? आगे बढ़ने के लिए, यस और नो? अगर भूखे से कोई ये पूछेगा कि तुझे खाना खाना है तो क्या कभी कोई भूखा बोलेगा नहीं नहीं मुझे खाना नहीं खाना? डेफिनेटली वो ये बोलेगा कि मुझे खाना खाना है, राइट। तो मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भैया मुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका है तो मुझे चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो मुझे मोदी केयर के किसी सेमिनार में लेकर गया। जब उसने मुझे अपने साथ में बिठाकर मोदी केयर के किसी सेमिनार में लेकर गया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मोदी केयर में जब भी किसी सेमिनार में आप जाते हो तो जगुआर आईलैंड और हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट की बातें होती है, यस और नो? राइट है, सारे सेमिनार में ये होता है। और सेमिनार में हम लेट पहुंचे थे, राइट है, तो मैं पीछे मुझे पीछे खड़ा होने का मौका मिला था। और जैसे जैसे लोग स्टेज पे आते जा रहे थे, वो अपने बारे में बता रहे थे कि भाई मैं 10 लाख कमाया, मैं 15 लाख कमाया। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको कि मैं पीछे खड़ा ये सोच रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, और मैं पीछे खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि ये लोग उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए मैं इसी सोच के साथ उस सेमिनार में बैठा था कि ये लोग उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, जब वो सेमिनार खत्म हुआ और उस सेमिनार खत्म होने के बाद में जब हम बाहर निकले तो मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि विजय कैसा लगा? और मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने उस दिन उसको जवाब दिया था जबरदस्त। तो बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। मेरे को बोलता है क्यों? मैंने कहा भैया यहाँ पे सब लाखों करोड़ों कमाने की बातें कर रहे हैं और मुझे तो 2-3 हजार रुपए कमाने का कोई रास्ता हो तो बता, मुझे लाखों नहीं कमाने, राइट। आपने और मैंने राइट बचपन से कहावत सुनी है कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछ के क्या फायदा, यस और नो? राइट है। और आपको मैं बताता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड था, हमारे आजू बाजू में जो व्यक्ति रहते थे, अगर हमारे वहां पे किसी के पास 2-व्हीलर बाइक था ना तो हम उसे पैसे वाला कहते थे। हमारे पास वहां पर किसी को आजू बाजू में 2-व्हीलर बाइक था ना तो हम उसे पैसे वाला कहते थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि तू पैसा कमाना चाहता है? मैंने कहा भैया सब कुछ ठीक है पर यहाँ पे लाखों करोड़ों कमाने की बात हो रही है और मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना नहीं, और यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ, कुत्ते की तरह मेहनत करता हूँ, तब जाके 4-5 हजार रुपया मिलता है, राइट। मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुना इस बात को कि 2-4 घंटे काम करके इंसान लाखों रुपए कमा सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? और मैंने कहा देख दोस्त एक काम कर, 2-3 हजार रुपए कमाने का कोई रास्ता है तो मुझे बता, अगर रिस्क के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो मुझे नहीं करना, राइट है। तो उसने मुझसे पूछा करेगा क्या? मैंने कहा नहीं करना, राइट। और यकीन मानना उसने मुझे बहुत देर तक समझाने की, जैसे कोई भी अपलाइन फॉलो अप लेता है ना बार बार में, राइट है, वो व्यक्ति मेरा फॉलो अप ले रहा था, मुझे बोला तू लाखों कमा लेगा। तो आखिर में मेरा दोस्त था तो मुझे बंद करने के लिए उसे एक जवाब देना पड़ा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? तो बोला हाँ बेटा मुझे भरोसा है। मैंने कहा तुझे पक्का यकीन है कि मुझे लाखों आएगा? बोला हाँ मुझे पक्का यकीन है। मैंने कहा देख मेरे दोस्त अगर लाखों रुपया आया ना मुझे, राइट है, तो 97 तू रख लेना, 3 हजार मुझे दे देना। उसने मुझ पे विश्वास जगाया कि तू लाखों कमा सकता है। मैंने कहा देख भैया तुझे भरोसा है ना मुझे लाख आएगा? क्योंकि दोस्तों ये बहुत पक्की बात है कि जब भी आपके पास सामने से कोई व्यक्ति आता है तो ह्यूमन टेंडेंसी, एक मानव का एक स्वभाव होता है कि इसकी कोई गरज है या इसको कुछ मिलेगा, इसको कुछ फायदा है, ऐसा सोच के उस व्यक्ति ने मुझसे कहा। और मैंने उससे कहा कि यार अगर तुझे भरोसा है मुझे लाखों आएगा तो एक काम कर, 97 तू रख लेना, 3 हजार मुझे दे देना। और आप यकीन मानिए इस 3 हजार रुपए की सोच को लेकर मैं मोदी केयर में आया था।
और मैंने ये सोचा था कि 3,000 ये लोग 3-4 हजार बोल रहे हैं, मैं पूरे दिन मेहनत करके 4-5 हजार कमा लेता हूँ, अगर 1,000-1,500 रुपए भी मुझे यहाँ से मिल गए तो वो 1,000-1,500 को लेकर मेरे घर में जो दिक्कत आ रही है घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए, राइट है, तो वो काम मैं कर पाऊंगा। दोस्तों मैं वो लड़का हूँ जिसने कभी ये नहीं सोचा कि वो लाखों रुपया कभी कमा सकता है। मैं वो लड़का हूँ जिसके घर में से ये संस्कार दिए गए थे कि बेटा जिनको बड़ा पैसा आता है ना, या तो वो 2 नंबर का काम करते हैं, राइट है, या तो इन लोगों को बाप दादा की कमाई का पैसा आता है। आप यकीन मानना मेरी सोच ही नहीं थी कि कभी लाखों रुपया कमाया जा सकता है। ये सब उल्लू बनाने के धंधे, इस सोच को लेकर मैं मोदी कर में आया था, राइट। और मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, मेरे घर वालों ने मुझे समझाया। जब मैं उस सेमिनार से मोटिवेट होकर घर गया तो घर पे जैसे ही गया मैं, सीधा घर पे जाने के बाद में मुझे मेरे पापा दिखे, तो मैंने मेरे पापा को जाकर बोला कि पापा अब हमारे दुख के दिन चले गए। मैंने मेरे पापा को जाके बोला कि पापा अब अपने दुख के दिन चले गए। आप यकीन मानना उस दिन पहली बार मेरे पापा ने मुझे 15 मिनट तक ध्यान से देखा और उन्होंने सोचा कि सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हो गया, क्योंकि आज से पहले तो मैंने कभी जाके उनको ये बातें की नहीं कि भैया दुख के दिन चले गए, अब ये तकलीफ नहीं पड़ेगी, ये तकलीफ नहीं पड़ेगी, राइट है। और मेरे पापा ने मुझसे बोला कि क्या हुआ। मैंने कहा मेरा जो दोस्त है ना योगेश, वो मुझे एक अच्छे सेमिनार में लेकर गया और वो सेमिनार में सारे लोग लाखों रुपया कमा रहे थे, राइट है, और हम भी इस इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं, इस कंपनी है। आप यकीन मानिएगा मेरे पापा ने मुझे 1,000 एग्जाम्पल दे दिए जो इस इंडस्ट्री में फेल हुए थे। तेरे चाचा के लड़के ने भी किया था, तेरे मामा के लड़के ने भी किया था, तेरे फलाने ने भी किया था, हरम बराबर मेरे पापा ने मुझे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया हो जो इस इंडस्ट्री में सफल हुआ। सारे फेलियर के एग्जाम्पल उन्होंने मेरे सामने रख दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये सारे धंधे उल्लू बनाने के हैं, सारे धंधे आगे क्या बोलते हैं, इन सारे धंधों में जो है किसी को पैसा मिलता नहीं है और ये सारे ऐसे ही चलते हैं। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। बोला नहीं मिलेगा कुछ भी। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया और आखिरी में एक इमोशनल हथियार होता है हर माँ बाप के पास, राइट है। उन्होंने मेरे सामने ऐसे 2 उंगली रखी और ऐसा बोला कि बेटा मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं, और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं, राइट है। और मैं आपको बताता हूं, वहां मेरी सबसे पहली परीक्षा हुई थी मेरी जिंदगी में, राइट है। मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मनभूमि में हार गए तो आपको रणभूमि में कोई नहीं जिता सकता, और अगर आप मनभूमि में जीत गए, राइट है, तो जिंदगी में कभी भी कोई आपको रणभूमि में, कोई माइका लाल आपको हरा नहीं सकता। आपको मनभूमि में जीतना है। और 99% लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद में फेल होते हैं क्योंकि वो मनभूमि में हारे हुए होते हैं, वो अंदर से टूटे हुए होते हैं और फिर उनको बाहर रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि अंदर से टूटे हुए को बाहर सफलता तो अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, राइट। तो मेरे पापा को मैंने बहुत समझाया, पापा को मैंने कहा पापा इस इंडस्ट्री में बहुत है, पापा नहीं माने, और आखिरी में हमारा झगड़ा हो गया और पापा ने बोला कि आज से तू मेरी औलाद नहीं। सर उस दिन मुझे पहली बार एक चीज समझ में आई कि दुनिया में आलू प्याज फ्री में नहीं मिलते, तो विजय अग्रवाल तू तो सफलता लेने निकला है, तुझे फ्री में कैसे मिलेगा। उस दिन एक बात समझ में आई कि मेरे दोस्त अगर निर्णय, सफलता आपको चाहिए तो निर्णय आपका होना चाहिए, ना माँ का, ना बहन का, ना पापा का, ना घर में किसी का। और यही चीज मुझे पहले दिन से समझ में आ गई कि भैया, और आप यकीन मानना बात यहाँ पे रुकी नहीं, मेरे सारे मोहल्ले वालों ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने, जैसे मैंने कोई आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लिया हो ना, ऐसी स्थिति थी मेरी, राइट। कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, कोई मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था। मैं जिस किसी को डेमो या कुछ बताने जाता था वो हर व्यक्ति मुझसे ये कहता था, अब तू हमें सिखाएगा लाखों कैसे कमाने हैं, तेरे घर में खाने के वांधे हैं, वांधे मतलब घर में खाने की तकलीफ है, तू हमें सिखाएगा लाखों कैसे कमाने, राइट। दोस्तों जोड़ने वाला कोई नहीं मिला, तोड़ने वाला कोई नहीं मिला और तोड़ने वाले हजारों मिले। और इसी चीज को लेकर जब मैंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट, मुझे पहले दिन समझ में आ गया कि भैया मुझे अगर सफलता मुझे चाहिए तो परिश्रम भी मुझे करना पड़ेगा। और उसी समय मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था कि कोई बुक पढ़ो, और मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि सफलता, जितना बड़ा आपको सफलता चाहिए,
जितनी बड़ी आपको सफलता चाहिए उतना बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, राइट। मैंने काम शुरू किया। अब होता यह है कि हम लोग होशियार होते हैं, होशियार, राइट। होशियार ऐसे है क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता ना, उसके पास ईगो और शर्म बहुत होती है। मेरे पापा बोलते थे मुझे कि बेटा इस बिजनेस में हमारी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता किस बात की, अगर हमारी इज्जत होती ही तो जो पैसे मांगने वाले सुबह शाम आते हमारे घर पे वो नहीं आते। इज्जत हमारी है का, मार्केट में इज्जत नहीं है। और गरीब आदमी को सबसे बड़ा भ्रम किस बात का होता है पता है आपको, कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, लोग उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट है। और इसी भ्रम को लेकर हम लोग जी रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि दोस्त इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, संघर्ष बड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं। अगर मुझे मेरे माँ बाप को मेरे कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आपको अपने लक्ष्य को अगर आप क्लियर कट देख पा रहे हैं, राइट है, अगर आप अपने आप को क्लियर आने वाले कल को आप देख पा रहे हैं, तो आपको जो संघर्ष की मार पड़ेगी ना, संघर्ष की जो चोट आपको पड़ेगी उसका दर्द आपको नहीं होगा। और मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है कि मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी, आप यकीन मानिए, मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी कभी ये नहीं सोचा कि 10,000 रुपए इकट्ठे कैसे होते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे, राइट है। और उसी चीज को के मरते कहते हैं कि माँ बाप का कर्जा, माँ बाप का ऋण, बराबर है। आप चमड़ी के जूते पहना के भी, चमड़े के जूते भी पहनाओ ना आप अपने, तो आप माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकते, राइट है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने मुदीकर बिजनेस को स्टार्ट किया। और मुदीकर बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद में मेरे अपलाइन ने मुझे 3-4 जगह वो अपने साथ में मुझे लेकर गए। और अचानक एक दिन मैंने मेरे किसी व्यक्ति के वहां पे मैंने मेरा डेमोस्ट्रेशन सेट किया। जब मैंने वहां पे डेमोस्ट्रेशन सेट किया तो मेरे अपलाइन को मैंने फोन किया, क्योंकि अपलाइन ये कहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, यस और नो, अपलाइन कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि सपोर्ट करूंगा, राइट है। तो मुझे भी मेरे अपलाइन ने कहा था कि भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, राइट है। मैंने कहा देख भैया, मैंने सारे दुनिया से दुश्मनी ले ली है इस मोदी केयर बिजनेस के लिए, राइट है, और मेरे को तू सपोर्ट करेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा कि मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने दूसरे दिन शाम को 4 बजे का एक डेमोस्ट्रेशन सेट किया। डेमोस्ट्रेट करने से पहले मेरा फ्रेंड ने मुझसे कहा कि भैया तेरे पास डेमो किट है ना। मैंने कहा डेमो किट ये क्या होता है। तो बोले मेरे पास जो बैग होता है जिससे मैं प्रोडक्ट बताता हूँ वो डेमोस्ट्रेशन किट है। तो मैंने कहा यार डेमो किट जो है तेरे पास वो डेमो किट मुझे चाहिए। तो बोले देख भैया डेमो पैसा किसको कमाना है। बोले मैंने कहा मुझे। तो बोले काम किसको करना पड़ेगा, मुझे, राइट है। तो डेमो किट किसको बनानी पड़ेगी, मुझे। तो मैंने उसको बोला कि आज तो मेरे पास डेमो किट बनाने के पैसे नहीं है, एक काम कर तू मुझे आज का डेमो किट दे दे, राइट है, एक दिन के लिए मेरी हेल्प कर दे, मुझे डेमो किट दे दे, और मैं इसके बाद में जो डेमो करने जाऊंगा उसमें डेफिनेटली जो है मैं तेरे इसकी हेल्प ले लूंगा। तो मेरे को उसने बोला कि भैया ले जाना कल, मैं तो थोड़ा बाहर हूं, एक काम करना मैं लेट आऊंगा तो तू ले जा डेमो किट। मैं डेमो किट लेकर आ गया। मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था कि मुझे आने में थोड़ा सा लेट होगा, राइट है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप आ जाना। मैं वहां गया, वहां पे 10-15 लेडीज आई हुई थी। मैंने डेमोस्ट्रेशन का टेबल सेट किया, और डेमोस्ट्रेशन का टेबल सेट करने के बाद में मैंने अपने अपलाइन को फोन किया वहां बैठ के। मैंने कहा भैया आ जा, अपलाइन का जो टेम्पलेट जो टेबल है वो सेट कर दिया। मैंने अपलाइन को फोन किया कि तू आ जाना 4 बजे। तो 4 बजे वो आया नहीं। मैंने उसको फोन किया कि भैया कितना टाइम और लगेगा। तो बोले विजय भाई मुझे 10-15 मिनट और लगेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट के बाद में मैंने वापस उसे फोन किया। मैंने कहा भैया कितना टाइम और लगेगा, राइट है। तो बोले यार और 10-15 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। और जो 10-15 लेडीज आई थी डेमो देखने के लिए, अब उसमें से 2 या 3 लेडीज बच गई थी डेमो देखने के लिए, 2 या 3 लेडीज, राइट है। मुझे गुस्सा आया और मैंने मेरा प्लान को फोन किया। मैंने कहा यार तुझे आना है तो ठीक है, राइट है, तुझे आना है तो ठीक है, नहीं आना तो ना बोल दे, राइट है। तो उसने ना बोल दिया, राइट है। उसने बोला कि यार मुझे और 15 मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी, राइट है, तू कर, होता है तो कर ले, नहीं तो मत कर, राइट है। वो कहावत है एक बहुत पुरानी कि मरता क्या ना करता, जब आदमी की मौत सामने खड़ी हो, राइट है। और मैंने अपने अपलाइन को, आप यकीन मानिए, मुझे काटो तो खून नहीं निकले। मैं इतने गुस्से में मेरा अपलाइन से बोला ठीक है रख फोन, राइट है। और मैं जहाँ पे गया, मैं जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करने गया वहां पे 4-5 लेडीज बची थी। तो मेरे उन लेडीजों ने मुझसे ये पूछा कि भैया आपको जो आता है बता दो वरना हम चले।
तो उस दिन मुझे पता चला कि मुझे जो आता है मुझे वो बताना। तो मैंने मेरे अपलाइन से दो तीन डेमो देखे हुए थे, मैंने दो डेमो किट में से दो पानी के ग्लास निकाले, दोनों में पानी डाला, एक में स्टेरिक्लिन डाला, एक में लाइजोल डाला, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। सारे लोगों ने तालियां बजाई और मुझे चार स्टेरिक्लिन के ऑर्डर दे दिए। इतना गुस्से में था मैं नीचे उतरा, और जैसे ही मैं नीचे उतरा मेरा अपलाइन मुझे सामने एक चाय की टोकरी पे मिल गया। अब आपको जिस पे गुस्सा आ रहा हो, आपको जिस पे खुन्नस आ रही हो, आज मैं आपको सामने मिला तो आप क्या करोगे? मैंने, आप यकीन मानिएगा, मैं जैसे ही उसके पास गया मैंने उसकी डेमो किट पकड़ाई, मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका, आज तूने मुझे उल्लू बना दिया, तू जिंदगी में किसी और को उल्लू मत बनाना, राइट है? ये बहुत गलत बात है तुम लोगों की, इस तरीके से नहीं होता। मेरे अपलाइन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि विजय चाय पिएगा क्या, विजय चाय पिएगा क्या? मैंने कहा भैया फ्री की चाय कौन छोड़ेगा। मेरा चाय का ग्लास उसने मुझे हाथ में दिया, और यकीन मानिया उसका जो दूसरा सवाल था उसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। उसका दूसरा सवाल था कि विजय एक बात बता, अगर मैं आज आता तेरे साथ डेमो करने तो तू क्या डेमो करता? मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही बैठा था, मैं एक बार भी अगर तू एक बार और तेरा फोन आ जाता ना तो मैं डेफिनेटली ऊपर आ जाता। और उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं पानी के पाउच बेचने जाता था, वहां तो कोई अप्लाई नहीं थी, वहां तो कोई अप्लाई नहीं थी, राइट है? मुझे, मैं जब मेरे पापा सब्जी बेचते थे वहां कोई अप्लाई नहीं थी। तो विजय अग्रवाल ये बिजनेस तेरा है और तुझे मेहनत करनी है, तुझे आगे आना है तो काम तुझे करना पड़ेगा, राइट? और यकीन मानिए बस इसी सेंटेंस ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, इसी सेंटेंस ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। और उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। बिजनेस मुझे करना था, पैसा मुझे कमाना था, काम मैं करूंगा। जब पानी पूरी बेचता था वहां पे कोई अप्लाई नहीं आई, राइट? न्यूज़पेपर डालता था वहां कोई अप्लाई नहीं आई, तो डेफिनेटली मोदी के बिजनेस में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। दोस्त, पहली बार जब मैं अल्पेश गज्जर सर से मिला, फर्स्ट टाइम जब मैं अल्पेश गज्जर सर से मिला, मेरी शर्ट भी तीन जगह से फटी हुई थी, मेरी शर्ट भी तीन जगह से फटी हुई थी, तीन जगह से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और उस टाइम पे मेरे को 30 रुपए या 300 रुपए कहीं से उधार नहीं मिल सकते थे उस टाइम पे, राइट है? मोदी कह रही डेमो किट बनाने के लिए 3,000 रुपया 10% इंटरेस्ट पे, 10% ब्याज पर मैं लेकर आया था। और उस समय मैंने निर्णय किया था कि अगर मुझे मोदी केयर में आगे बढ़ना है और मुझे काम करना है तो डेफिनेटली पैसा मुझे कमाना है तो काम मुझे करना पड़ेगा। और इसी सेंटेंस ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाने आते हैं, इस इंडस्ट्री में लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, पर वो डिपेंडेंसी रखते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा, मेरे को ये सिखाएगा, मेरे को वो करेगा। नहीं, मुझे पैसा कमाना है, आगे मुझे बढ़ना है, कोई आए तो ठीक और कोई नहीं आए तो मैं आगे बढ़ के रहूंगा। इसी सोच ने आज मुझे आपके सामने लाकर बिठा दिया। मैं वो लड़का हूं जिसके घर पे 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मेरे पापा ने, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए। 10x10 के घर में रहता था मैं, पैसा ना होने की वजह से स्कूल में बच्चा 9-10 महीने जाता है, 8 महीने 7 महीने हम स्कूल से बाहर खड़े रहते थे और हमारा टीचर हमसे पूछता था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि तुम रोज सुबह मुंह उठा के आ जाते हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं पहुंच पाते यहाँ तक। फीस नहीं भरने की वजह से 300 रुपए का पिकनिक नहीं जा पाया कभी मैं, और उस टाइम पे मैं अपनी फेलियर का सारा दोष मेरे माँ बाप को और उस ऊपर वाले को देता था कि यार कभी तो मुझे अच्छा दे दे। मैं वो लड़का हूं जिसके घर में ये पोजीशन थी कि सुबह क्या खाएंगे और शाम को क्या खाएंगे। दोस्तों, आज बताते हुए गर्व होता है कि मोदी केयर इंडस्ट्री ने आज से 4.5 साल पहले 9 जनवरी 2016 को मोदी केयर का हाथ थामा, और नतीजा ये है कि आज मोदी केयर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग मैं मोदी केयर से कर चुका हूं। 1 करोड़ रुपीज,
एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, एक घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का, आज मोदी कह के उससे जिसके माथे पे ये लिख दिया गया था कि तू गरीबी में पैदा हुआ है और तू गरीबी में ही मर जाएगा, उस व्यक्ति के माथे पे जिस पे लिखा हुआ था गरीब, उस पे करोड़पति का टैग लगाया है मोदी कैर ने। 3 महीने मेहनत करने के बाद में, 3 महीने मेहनत करने के बाद में सबसे पहला चेक आया था मोदी केयर से मेरा, बराबर है, वो आया था 167 रुपीस का, 167 रुपए का, राइट है। और आज मोदी केयर से लगभग लगभग मंथ की एवरेज इनकम 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ एज अ क्राउन डायमंड डायरेक्टर मैं मोदी केयर से कमा रहा हूं। जब 100 आज जिनको जिनको 100 का 200 का 500 रुपए का चेक आते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री को जज करते हैं और वो छोड़ देते हैं इस इंडस्ट्री को। जब मुझे पहला 167 रुपए का 167 रुपीस का चेक आया था, फर्स्ट चेक मुझे जब मोदी केयर से आया था, तो मैंने मेरे घर पे फोन लगाया। 3 महीने के बाद में मुझे पहला फोन, मेरा पहला चेक आया 167 रुपए का, और 3 महीने के बाद में जब मुझे पहला चेक 167 रुपए का आया, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने घर पे फोन लगाया कि मम्मी आज तो खीर बनाओ। मेरी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा चेक आया, बोले क्या बात कर रहा है, कितने का, मैंने कहा मैं घर पे आके बनाऊंगा, खीर बनाओ आज तो घर पे। हम मैं घर पे पहुंचा, सारे घर वाले खाना खाने बैठे, राइट है। और यकीन मानना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी, मैंने मेरे पापा से ऑलरेडी झगड़ा कर लिया था, मैंने, मुझे नहीं पता आप क्या कीमत चुकाओगे क्या नहीं को चुकाओगे। मोदी केयर करने के लिए 1.5 साल तक मैंने और मेरे पापा ने एक दूसरे से बात नहीं की, 1.5 साल तक। अगर मैं खाना खाने बैठा हूं तो वो खाना खाने नहीं बैठेंगे, और अगर वो खाना खाने बैठे हैं तो मैं खाना खाने नहीं बैठूंगा। सुबह 9 बजे निकल जाता था, 7 बजे निकल जाता था फील्ड में, और रात को 2-2 बजे तक घर पे आता था। सर 5 रुपए की रतलामी सेब खाके पूरा दिन निकाला है मैंने, चने खाके 2 रुपए का पार्ले जी खाके 3 लोटे पानी पी के पूरा दिन निकाला है। खाने के लिए जेब में पैसा नहीं था, फिर भी अगर मैं किसी को डेमो बताता था तो इसी उम्मीद और इसी कॉन्फिडेंस से बताता कि इस इंडस्ट्री में से मैं भी करोड़पति बनूंगा, और अगर तूने मेरी बात मानी तो तू भी इस इंडस्ट्री से करोड़पति बनेगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बताता था। जब 167 रुपीस का चेक आया, मैंने मेरे पापा को, मैंने घर पे गया, हम सारे घर वाले खीर खाने के लिए बैठे, मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा चेक आया, बोले कितने का, मैंने कहा 167 रुपीस का, बोले तू पागल हो गया है क्या, 200 रुपया तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया और तू 167 रुपए का चेक लेकर आया है। मैंने कहा हाँ मम्मी, लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं आता, मतलब इस इंडस्ट्री में 167 आया मतलब पैसा आता है। अब तो 167 को 1670 में और 1670 को 16700 में और 16700 को 1,67,000 रुपए में चेंज करना है। मुझे बताइए सर, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, आप इस बात को बताइए कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, राइट है, एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, घर में आपके खुशखबरी आने वाली है, लेडीज प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप अपने घर में आके ये बोलते हो कि नहीं 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 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा तब खुशी मनाएंगे तब देखेंगे। नहीं, हम खुशी पहले दिन से मनाते हैं जब डॉक्टर ये कंफर्म कर देता कि शी इज प्रेग्नेंट, यस और नो, यस, राइट है। तो जिस दिन मुझे 167 रुपीस का चेक आया, मुझे पता चल गया कि शी इज प्रेग्नेंट, अब तो 9 महीने की राह देखनी है सिर्फ, और आज बताते हुए खुशी होती है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है और वो बच्चा आज 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम मोदी केयर से ले चुका है। पर जो माँ बाप को जो उम्मीद बच्चे की डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद में जो उम्मीद माँ बाप को जागती है कि अब मेरे घर में मेरा चिराग आएगा, उस दिन 167 रुपए का चेक देख के वो उम्मीद मेरे अंदर जाग चुकी थी कि अगर आज 167 आया है तो कल को 1,67,000 भी आएगा। संघर्ष करना है। कुछ लोग बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, इस इंडस्ट्री में आपको सफल होने के लिए 9 से 3 साल का समय लगेगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में अपनी सफलता को पाया है, उसने कम से कम 1,000 दिन अपना समय खपाया है,
तब जाके सफलता ने उसके माथे पे तिलक किया है। कहावत है एक बहुत पुरानी कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा, कीमत चुकाने को तैयार होना होगा। मैं कीमत चुकाने को तैयार था, मेरा विजन क्लियर था कि मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी गरीबी देखी है, मैं इनको आलीशान जिंदगी दूंगा। मैंने सोचा था कि मैं किसी घर में, मेरा बच्चा मैं आज कहीं पे भी हूं, राइट है, मैंने नहीं देखा कि 300 रुपए का पिकनिक जाया जा सकता है कि नहीं, पर मोदी केयर इंडस्ट्री में से आज 7 से 8 विदेश यात्रा मैंने मोदी केयर के माध्यम से की है। मैंने 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मेरा घर का सिलेंडर बेचा था, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए। आज मोदी केयर से पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख की ग्रैंड आई10, दूसरी गाड़ी जिसमें मैं अभी बैठा हूं वो 13 लाख रुपए की एस्क्रॉस, और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले 6 से 7 महीने में मैं मेरी ड्रीम कार जगुआर 58 लाख रुपए की गाड़ी मोदी केयर से लेने जा रहा हूं। सर मुद्दा ये नहीं है कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूं, मुद्दा ये है कि मोदी केयर ने एक पानी के पाउच बेचने वाले को क्या से क्या बना दिया। सर मेरे साथ ये हो सकता है, आपके साथ नहीं हो सकता क्या? मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का मैं ख्वाब देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते क्या? राइट है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि ख्वाब देखना है, प्रॉब्लम इसमें है कि जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना मेरे भाई, वो तो चुकानी पड़ेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, माफ कीजिएगा, आप सारे लोग जितने भी मुझे अभी सुन पा रहे हैं सबको अपने पिताजी का नाम याद होगा, एग्री करेंगे मेरी बात से? अगर एग्री करेंगे तो ऐसे हाथ कीजिए, एग्री करेंगे मेरी बात से? यस यस यस, सबको अपने पिताजी का नाम याद है डेफिनेटली। अच्छा, उनके पिताजी का नाम 80-90% लोगों को याद होगा, राइट है? पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम, मतलब थर्ड या चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी का नाम, राइट है, मात्र 25-30% लोगों को याद होगा, और छठी या सातवीं पीढ़ी का नाम, राइट है, एक शायद एक आदमी को भी याद नहीं होगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं रखा जाता, आपके अचीवमेंट को याद रखा जाता है। धीरू भाई अंबानी की 1000वीं पीढ़ी भी आएगी ना तो उनके बड़े से फोटो को दिखाकर बोलेगी कि ये धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस खड़ी की थी और आज उनकी वजह से हम ये जिंदगी जी रहे हैं। बॉस यही सपना है मेरा कि मेरी 1000वीं पीढ़ी आए ना तो वो मेरा फोटो दिखाकर ये बोले कि ये मेरे दादाजी जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज इनकी वजह से हम इस जिंदगी को जी रहे हैं। पर इस गर्व को लेने के लिए, इस छाती को कहते हैं ना कि 36 की छाती 72 की हो जाती है जब आपका लक्ष्य, आपका ध्येय बहुत मजबूत होता है। सर दो चार उच्चे तुच्छों की ना सुन के हम अपना सपना तोड़ देते हैं, चार लोग हमें ना बोलकर क्या जाते हैं। सर मेरे रिलेटिव जितने थे ना, मेरे सारे के सारे रिलेटिव, जितने भी लोग मेरे रिलेटिव थे, वो सारे के सारे रिलेटिव, आप लोग तो लकी हैं सर कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार हैं। मेरा एक भी रिलेटिव मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं था, एक भी, और फिर भी मैंने मोदी केयर से, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा कांटेक्ट होंगे ना तो हम सफल हो जाएंगे। नहीं, मेरे पास 2 आदमी का रेफरेंस नहीं था मोदी केयर में सफल होने के लिए, पर मुझे पता था कि 130 करोड़ लोगों को एक बीमारी है जिसका नाम है विटामिन एम। मुझे जो मिलता गया उससे मैं बात करता गया, मुझे जो मिलता गया उसे मैं मोदी केयर बताता चला गया। आया तो ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं, करता चला गया। हाँ बोलने वाले मिले, ना बोलने वाले मिले, हाँ बोलने वाले बोले, ना बोलने वाले मिले, और ऐसा करते 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 आज आपको बताते हुए गर्व होता है कि एक पानी के पाउच बेचने वाले उनको, जिसको कोई जानता नहीं था, उस व्यक्ति की 80,000 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। पर कब पता है आपको? जब मैं लगातार चलता चला गया, मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल मेरे को क्लियर थी। कोई हाँ बोलता था उससे फर्क नहीं पड़ता था, कोई ना बोलता था उससे फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। विनर्स आर नेवर क्विट एंड क्विटर्स आर नेवर विन। क्लियर था सर, पहले दिन से क्लियर था। आपको पता है एक चीज, साइंस ये कहता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है
जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसीबल दर्द, 12 डेसीबल दर्द अगर उसको होता है तो इंसान मर जाता है। पर आपको नहीं पता होगा कि एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो 12 नहीं 18 22 डेसीबल दर्द को सहन कर जाती है। 9 महीने तक उस बच्चे को अपनी कोख में रखती है और वो 12 डेसिबल दर्द पे मरने वाली महिला 22 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। वो प्रसव पीड़ा जो उसे होती है वो प्रसव पीड़ा को वो अपने बच्चे का चेहरा देख के भूल जाती है। उसकी एक छोटी सी किलकारी सुन के वो अपने सारे दुख दर्दों को भूल जाती है। मेरे भाई आज आपको जो प्रसव पीड़ा हो रही है ना आपकी सफलता को जन्म देने में, यकीन मानना ये प्रसव पीड़ा जिस दिन आपकी सफलता आपके चेहरे पर तिलक करने आएगी ना आप अपने सारे संघर्ष का दर्द भूल जाओगे। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रहेगी, अपनी सफलता अपनी सफलता अपनी सफलता। एक पानी के पाउच बेचने वाले व्यक्ति की टीम में आज 250 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर कर चुके हैं। 30 लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जिन्होंने 1,00,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा की इनकम ली है, 1,00,000 रुपए। 26 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जिन्होंने अपनी खुद की कार ली है। दोस्तों ये गर्व दिलाने का काम भी मोदी केयर ने किया है। और मैं यहाँ पे मोदी केयर में जीबीडी आरबीडी क्राउन प्रेसिडेंशियल बनने नहीं आया, मैं मोदी केयर में एक लक्ष्य लेकर आया हूं कि जब मोदी केयर का इतिहास लिखा जाएगा ना तो विजय अग्रवाल मतलब मोदी केयर और मोदी केयर मतलब विजय अग्रवाल लिखा जाएगा। I want to a brand ambassador of Modi Care, right? ये लक्ष्य है। और सर जितना बड़ा मेरा लक्ष्य है ना मुझे पता है कि कुदरत उतनी बड़ी मेरी परीक्षा लेगी, पर मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? Yes. क्या आपका लक्ष्य इतना मजबूत है या 2-4 उच्चे तुच्चों के ना सुन के कुछ 4 लोग आपको ना बोल के जाते हैं या कुछ लोग? अरे मेरे भाई इस दुनिया में आपको सबसे पहला काम मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग मोदी केयर में आओगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप लोग अगर मोदी केयर में आओगे ना तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी सफलता नहीं पा पाओगे। पर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया, जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया। आपको मोदी केयर में नहीं आना है जी, आपके अंदर मोदी केयर को लेकर आना है। मीरा को भी श्री कृष्ण के दर्शन तब हुए थे जब मीरा बाई में श्री कृष्ण समा गए थे। तो जब मोदी केयर में आप जब आपके अंदर मोदी केयर समा जाएगा ना, जितना प्यार अपनी अपने अपने माँ बाप अपनी औलाद से करते हो, जितना प्यार आप अपने पेरेंट्स से करते हो, जितनी रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को देते हो, जिस दिन मोदी केयर को आपने उतनी शिद्दत उतनी ईमानदारी और उतने इथिक्स के साथ में अपना लिया ना, सुरेखा मैम हमेशा कहती है कि अगर आपने मोदी केयर को अपने बच्चे की तरह प्यार किया ना तो किस दिन मोदी केयर आपका गॉड फादर बन जाएगा यू नेवर नो। इंग्लिश में कहावत है कि डोंट यूज द पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस, डोंट यूज द पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस, यूज द बिजनेस टू बिल्ड अ पीपल। जिनकी नियत नीति और उनके कर्म मजबूत है कुदरत उनके लिए हमेशा रास्ते खोल के रखती है। दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्री से अगर एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में हर व्यक्ति गलती करता है, मैंने भी गलतियां की। मेरा प्लान ने कहा लिस्ट बनाओ, मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा लिस्ट क्या बनाना, अपने दिमाग में है ना पर वो मेरी गलती नंबर 1 थी। मेरे अपलाइन ने कहा कि भैया डेमो किट बनाओ, वो मेरी गलती नंबर 2 थी। मैंने डेमो किट भी नहीं बनाई पर उसका गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, मेरी अपलाइन को नहीं। क्योंकि मैंने जितना टाइम उन चीजों को मानने में लगाया उतना ही दूर मैं अपनी सफलता से चला गया। और जिस दिन मैंने अपने अपलाइन को सरेंडर किया, मैंने अपने अपलाइन को कहा कि भैया जिस दिन मुझे अल्पेश जी मिले अल्पेश गज्जर जी मिले, जिस दिन मैंने अपने आप को उनको सरेंडर किया, यकीन मानना आप मेरी बात को, उस दिन मेरी जिंदगी में 90 डिग्री नहीं 380 डिग्री एंगल का चेंज आ गया क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर किया। और सफलता का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है समर्पण। और मैंने मोदी केयर में अपने आप को समर्पण किया श्री अल्पेश गज्जर जी को तो उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। दोस्तों किसी कोई भी मैंने अपने अपलाइन पर कभी डाउट नहीं किया। मेरी सफलता का अगर आप राज पूछो कि विजय भाई आप यहां तक कैसे पहुंचे तो मैं डेफिनेटली इस बात को कह पाऊंगा कि कभी
कभी जिस तरीके से एक जिस माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा दूध पीता है तो दूसरा बच्चा माँ पे डाउट नहीं करता कि मेरे से ज्यादा पहले वाले ने पिला दिया होगा या पहले वाले ने पी गया होगा, या कोई बच्चे अपने माँ बाप पे डाउट नहीं करते, राइट है। उसी तरीके से मैंने कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डाउट नहीं किया, बिलीव रखा मेरे अपलाइन पे और कंपनी पे। लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि लोगों का बिलीफ सिस्टम हल जाता है। मैं बताता हूं आपको एक कहानी के माध्यम से कि बिलीफ सिस्टम होता कैसा है। दोस्तों, एक गांव में एक अम्मा जी थी, बूढ़ी अम्मा जी, 70-80 साल की उम्र थी उस बूढ़ी अम्मा जी की। वो 70-80 साल की उम्र में आदमी क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा। वो अम्मा जी पूजा पाठ करती थी मंदिर में रोज। उस गांव में अचानक एक दिन एक संत आ गए। वो संत को अम्मा जी ने गुरु जी बना लिया और उन गुरु जी से कहा कि भैया मैं आपसे गुरु दीक्षा लेती हूँ और मैं आपको गुरु बनाती हूँ। गुरुजी ने अम्मा जी को गुरु दीक्षा दे दी क्योंकि 70-80 साल की उम्र थी अम्मा जी की। अम्मा जी ने गुरु दीक्षा ले ली और वो गुरुजी की सेवा पूजा करने लगी। अचानक से एक दिन गुरुजी ने कहा कि मैं तो संत हूँ, सन्यासी हूँ, अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो अम्मा जी ने जिद की, नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी, मैंने आपको गुरु माना है। तो गुरु जी ने कहा, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आपको आप नहीं आ सकती, मैं तो संत हूं, मैं तो वैरागी हूं, मैं आज इस गांव में कल उस गांव में, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अम्मा जी ने कहा, नहीं मैंने आपको गुरु माना है, मैं आपके साथ आऊंगी। पंचायत जुड़ गई पूरी की पूरी, अम्मा जी नहीं मानी। बच्चों ने समझा लिया, अम्मा जी नहीं मानी। गांव वालों ने समझा लिया, अम्मा जी नहीं मानी। और आखिरी में फैसला हुआ कि उस गुरु जी के साथ वो अम्मा जी जाएगी। जाते जाते अम्मा जी को ये ख्याल आया कि कहीं भिक्षा नहीं मिली, भीख नहीं मिली, तो मैं मेरे गुरुजी का लालन पालन कैसे करूंगी। तो उस अम्मा जी ने अपने घर में जो उसकी मेहनत के कुछ पैसे और कुछ जवाहरात थे, मतलब जो सोने चांदी के कुछ उसके पास गहने थे, उसने ले लिए, एक पोटली में बांधा और चल दिए। अब गुरुजी ये सोच रहा है कि भैया कैसे मैं इस बुढ़िया अम्मा से पीछा छुड़ाऊं। और बूढ़ी अम्मा जी सोच रहे कि हे भगवान, तूने मेरा जन्म सिद्ध कर दिया मुझे गुरु दे के। अम्मा जी अच्छा सोच रहे थे, गुरु जी बुरा सोच रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल में गुरु जी ने कहा कि अम्मा जी एक काम कीजिए, हम यहीं सो जाते हैं, कल सुबह यहीं से नहा धो के हम निकल जाएंगे, बैठे। तो अम्मा जी वहां सो गए। सुबह में 4 बजे के आसपास अम्मा जी को गुरु जी ने उठाया और बोले, इस कुएं में से पानी भर लाओ। तो जैसे ही अम्मा जी कुएं में से पानी भरने लगी, उस गुरु जी ने पीछे से जाके अम्मा जी को धक्का दे दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था, तो अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी सोच रही है कि लगता है जंगल में लुटेरे आ चुके हैं और ये लुटेरों ने मुझे धक्का मार दिया, मेरे गुरुजी को मार दिया और मेरे पैसे लेके चले गए। गुरुजी सोच रहा है, हश बला छूटी, और ये सारा सब कुछ देख रहा था वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर, ये सब कुछ देख रहा था। बकरी वाले का रूप लेकर वो ईश्वर नीचे आया, गुरुजी को पकड़ के उसने बांध दिया। अम्मा जी को जैसे ही बाहर निकला, अम्मा जी जैसे ही बाहर निकली, अम्मा जी ने कहा, मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है। तो बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। तो अम्मा जी कहती है, नहीं इसको मैंने गुरु माना, ये मेरा गुरु है। बोले, नहीं ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोले, नहीं इससे मैंने गुरु दीक्षा ली है, ये मेरा गुरु है और मैंने इसे गुरु माना है। तो भगवान खुद अपने ईश्वर अपने रूप में आता है, देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कहता हूं कि इसने तुझे धक्का मारा है, ये तेरा कोई गुरु नहीं है। तो बोले, तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, तूने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, आज इस गुरु जी की वजह से तू मुझे दर्शन देने आया तो सही। दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ उस अम्मा जी को उस गुरु जी में था, जिस दिन आपको वो बिलीफ सिस्टम, वो अपनी अपलाइन और अपने मोदी केयर के अंदर दिख गया ना, बॉस आपको छोड़ो, आपकी 7 पीढ़ियों में ऐसा कोई पैदा नहीं होगा जिसको गरीबी नाम का ग सुनने को आएगा। पागल बनना पड़ेगा, पागल, प्रगतिशील, गतिशील, लक्ष्यशील, मैड, मैसिव एक्शन डेली। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप सफलता के हकदार हो। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप सफलता के हकदार हो। मैटर नहीं करता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, मैटर नहीं करता कि आपकी जान पहचान बहुत है या नहीं है, मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं है, मैटर नहीं करता आपके पास कितना नॉलेज है कितना नहीं है, मैटर करता है आपको पहुंचना कहां पे। मेरे को कहां पहुंचना था ये मुझे पहले दिन से क्लियर था, और इसीलिए आज आप लोगों के सामने बात करने के काबिल बन पाया। सर छोड़ दीजिए मैंने मोदी केयर से क्या कमाया,
भूल जाइए मैंने कोई गाड़ी ली, फॉरेन टूर लिया, भूल जाइए सब, ये सोचिए मोदी कह रहे हैं मुझे क्या से क्या बना दिया। मुझे बाहर 7,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती, आज मोदी कर हर महीने 2,500 से 3 लाख रुपए दे रहा है मेरे भाई। और आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मोदी कर को 25 साल हुए, कल मेरी औलाद आके कहेगी कि मोदी कर को 100 साल पूरे हुए। मोदी केयर तो रहेगा, अजरो अमर है, और इसी के साथ में हम इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। बस एक सोच होनी चाहिए आपके अंदर, आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए दोस्त। अगर शिद्दत से चाहोगे ना तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो। यस, क्या तैयार हो आप? यस, क्या तैयार हो? राइट, अगर तैयार हो तो मैं वादा करता हूं मेरी आखिरी सांस तक बराबर है मैं मोदी केयर का ऋणी हूँ। मेरी आखिरी सांस और मेरी आखिरी लब्जे तक मैं मोदी केयर के अंदर अपना योगदान दूंगा ताकि मैं मोदी केयर के ऋण को चुका सकूं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मोदी केयर क्या है, और मोदी केयर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ अभागे बाहर हैं आज, कुछ अभागे हैं, राइट है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक छत्र एक राज एक लक्ष्य के साथ अगर हम मोदी केयर को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे ना तो हमारा, देखो दोस्त, भारत तरक्की करेगा तो आप और मैं तरक्की करेंगे, इसमें कोई शर्त नहीं है। और मोदी केयर तरक्की करेगा तो आप और मेरी तरक्की होना ये इतना ही पक्का है जितना सूरज का रोज उठना रोज निकलना, राइट। तो आइए मिलके कुछ ऐसा बड़ा करते हैं, और जो गलतियां मैंने की आप मत कीजिए, जो चीजें मैं भुगत चुका हूँ आप मत भुगतिए। आइए मिलके कुछ इतना बड़ा काम करते हैं कि हमारी पीढ़ियां प्राउड से कह सके कि मेरे माँ बाप में भी दम था। और मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई, इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई कि अपनी औलाद को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े, राइट। तो आइए दोस्तों मिलके कुछ बहुत बड़ा करते हैं, मिलके कुछ इतना बड़ा करते हैं कि पीडिया प्राउड करे। सो आई एम रियली थैंक यू अल्पेश गज्जर सर, आई एम रियली थैंक यू फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, एंड आई एम रियली थैंक यू माई ऑल ओवर टीम, एंड दिल से थैंक यू मुनीश चोपड़ा जी का जिन्होंने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने तो कमाल कर दिया यार। आज पहली बार आपकी स्टोरी सुनी जो आपने टिप्स दी टीम को, वंडरफुल अमेजिंग सीन रहा आज का। मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपका कहने थैंक्स करो मेरे भाई। और जो आपने बात बोली ना, मनभूमि में सफलता हासिल कर लो, रणभूमि में अपने मिल जाएगी, बहुत सही आपने बोला। अब मैं कुछ हमारे दोस्त है जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और मैं उनको मिलवाना भी चाहता हूँ आपसे रूबरू। So, सबसे पहले मैं परमजीत सर को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आए और वो बताएं उनको आज के अच्छा क्या उन्होंने सीखा यहाँ से। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट विजय जी, एक्सीलेंट, सल्यूट टू यू सर, आपने तो एक्सीलेंट, नो वर्ड सर, मैंने सभी नोट्स बनाए हैं, मैंने एक एक डायलॉग आपका क्या भाई डेसिबल का दर्द का हुआ जो अचीवमेंट को याद किया जाता है, प्रेगनेंट लेडी का और जिंदगी की दर्द की जाती है, जो शहीद भगत सिंह का ये आपने शेयर कमाल कर दिया सर, वाकई में औरों के कंधों पे तो जनाजे ही उठते हैं। और सर आपने जो स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, आपको तोड़ने वाले ज्यादा मिले, जोड़ने वाले कम मिले, इसीलिए आप स्ट्रांग हो, आपकी स्पीच से सब कुछ उभर रहा है जो आपकी स्टोरी है। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। और जो लास्ट में बात बोला ना आपने कि जो मुझे बना दिया, देखो सभी डूइंग करते हैं और सभी को कुछ हैविंग आता है कि हम कुछ ना कुछ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ तो हम जब जॉब करते हैं तो वो टाइम देते हैं तो कुछ ना कुछ उसके इवेज में हमें मिलता है। लेकिन तीसरी बात आपने बोली बहुत बड़ी भी, आपने खुद पे बीइंग पे काम किया, बन जाने पे काम हुआ कि जो बना दिया वो काबिले तारीफ है सर। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, सैल्यूट टू यू, थैंक यू सर फॉर आर ऑर्गेनाइजिंग सच अ काइंड ऑफ इवेंट्स, बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट, मजा आ गया। और अगले अगले विजय जी हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर है गगन जी, ये भी हमारे जम्मू के फास्टेस्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर, सो गगन कामरा जी। थैंक यू मुनीश सर, मजा आ गया विजय अग्रवाल जी आज का सेशन सुन के, आपको मिलने का सौभाग्य मिला था हमें जयपुर का, जो वो सबका वो मिलन हुआ था उसमें आप हमें मिले थे, तो उसमें मेरे को याद है मैंने अल्पेश गज्जर जी से पूछा था कि सर ये आपकी टीम में विजय जी, तो उन्होंने बोला था ये मेरी टीम नहीं है ये मेरा दिल है, तो मुझे आज तक वो याद उनके याद, उन्होंने कहा था ये मेरा दिल है, तो अभी तक हम सोचते थे कि
गुजरात में एक ही शेर है अल्पेश गज्जर जी, लेकिन आज का सेशन सुनकर पता लगता है कि गुजरात शेरों की धरती है। बहुत मजा आया सर, मजा आया आपकी स्टोरी सुन के। और मैं कुछ ऐसे दो साल पहले मैं भी बहुत अच्छी जॉब करता था, कंपनी का हेड था, लाख रुपया सैलरी थी, लेकिन मैंने भी डिसीजन जब मुझे मोदी कर मिला मैंने एक हफ्ते के अंदर अपनी जॉब छोड़ दी थी और डिसीजन लिया था कि लाख रुपए में महीना मैं गुजारा नहीं करूंगा। हमारी सोच बहुत बड़ी है, कम से कम 1 करोड़ रुपए पर मंथ जाएंगे। मेरे को भी मेरे फादर साहब बहुत नाराज हुए थे और मेरे को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तो आज 2 साल हो गए, आज तक वो मेरे साथ नहीं करते, लेकिन मैंने भी बहुत जिद पकड़ी हुई है, आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने भी बहुत जिद पकड़ी, मैंने ड्रीम चेक लगा रखा है, देख सकते हैं सारे, 25 लाख रुपए का चेक मैंने लगा रखा है। डेट आप देख सकते हैं 10/10/2025। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और आप जैसे दोस्तों को सुन के, मुनीश सर जैसे सेशंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनको सुन के, हमें पूरी उम्मीद है कि हम मोदी कैर में ये कामयाब हो जाएंगे और यहाँ अपने लक्ष्य में हम पूरा हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप कामयाब हो, आज भी आप कामयाब हो, राइट है। कामयाबी का बीज बाहर नहीं है, कामयाबी का बीज तो हमारे अंदर है, और जो चीज आप बोल चुके हो, राइट है, रिजल्ट आपने अपना जो रिजल्ट आपने आप जो आपने जो रिजल्ट लिखा है 25 लाख रुपया, ये 25 लाख रुपया आपको आ चुका है, राइट है, क्योंकि 25 लाख रुपया लिखने के लिए भी कलेजा चाहिए, 25 लाख रुपया लिखने के लिए भी कलेजा चाहिए, और वो कलेजा आप में है। वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारे है एक और शेरे पंजाब, हमारे क्राउन डायमंड मिस्टर रंजीत सिंह माहल जी। थैंक यू मनीष भैया, विजय भैया, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत जबरदस्त, आज आपकी स्टोरी सुन के तो मुर्दों में जान पड़ जाएगी, और जो आज भी नहीं हिला ना तो वो कभी हिल नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया कितना संघर्ष था, सबसे पहले फैमिली से, कई दोस्त निके निके बहाने बनाते हैं, दोस्तों इसके आगे क्या बहाने बनाओगे, यही एक रास्ता है जिंदगी चेंज करने का। मैंने भी ये मुझे भी चैलेंज आया, मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ डिसीजन लिया था कुछ करेंगे, तो थैंक्स करते हैं अपनी ग्रेट अपने मनीष चोपड़ा जी का, जिन्होंने एक रास्ता बताया, और आज आपकी स्टोरी सुनकर ये पता चल गया कि आने वाले समय में हमें कुछ और संघर्ष ज्यादा तेज करने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में तो बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन हम थोड़ी डील लगाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये पता चल गया कि अगर कुछ बड़ा करना है तो आप जैसी सोच रख के, आप जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे। लाखों लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है कि कुछ करके, कुछ बड़ा करके दिखाएं, अपने माँ पे का नाम रोशन करना है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। मैं हमेशा ये कहता हूँ सर कि अपने माँ बाप की दौलत पे तो कोई भी कॉलर ऊंचा करता है, अपने माँ बाप की दौलत पे तो कोई भी घमंड करता है। असली मजा उसमें नहीं है कि आप अपने माँ बाप की दौलत पे घमंड करो, असली मजा तो तब है, और मर्द तब कहलाते हो जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दौलत पे घमंड करे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे जोश मशीन मिस्टर एक्साइटमेंट, हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड मिस्टर विवेक शर्मा जी। विवेक सर, विजय भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट। पहले सुना था, आज साक्षात दर्शन हो गए आपकी स्टोरी सुन के, मतलब मजा आ गया, मतलब खड़े होकर सलूट है जी आपको, खड़े होकर ये सच्ची बात है, मतलब आप पुरुष नहीं हो, आप गुजरात के महापुरुष हो, मतलब जो बातें आपसे सुनी है ना आज, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमारे सभी के चैलेंज तो बहुत छोटे छोटे, बहुत पीछे रह गए, चैलेंज तो रह ही नहीं गए आपकी स्टोरी सुन के साहब, थैंक यू वेरी मच। मतलब हम तो पहले दूर से सुने थे, जयपुर में मिले थे, लेकिन ये स्टोरी का नहीं पता था, लेकिन आज जो पता चल गया ना, तो आप हमारे रोल मॉडल बन गए हो मोदी केयर में वाकई, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिलीशियस सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर जबरदस्त टीचिंग, थैंक्स अ लॉट, ओवर टू मोना मैडम। थैंक यू सो मच विजय भैया, कहते हैं ना कि जिस चीज की आपको चाहत होती है तो भगवान वो लॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है, तो शायद जैसे हम क्रूज में मिले थे फर्स्ट टाइम, तो मैं और आप 3-4 बार ड्यूरिंग दैट टाइम मिल चुके हैं, तो मेरी बड़ी इच्छा थी आपको अच्छे से सुनने की। जिस दिन से ग्रुप में ये मैसेज चला कि आपका सेशन है, आपका सेमिनार है,
तो मैंने पता नहीं कितनी बार वो मैसेज चेक कर लिया है कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम की वजह से मेरा वो सेशन मिस हो जाए। भैया सच में आपने बता दिया कि जो सक्सेस का रास्ता ना वो आपको अकेले ही चलना पड़ता है, कोई भी आपके घर का बंदा भी आपके साथ नहीं होता, चाहे आपके छोटे बच्चे क्यों ना हो। बहुत बार ऐसा टाइम आता है कभी कभी तो जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे तक भी नहीं सपोर्ट करते। तो थैंक यू सो मच, आज बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दीदी मैं रोता था, रोता मेरे मैं मेरे माँ बाप के लिए कर रहा था, राइट है, मेरे माँ बाप के लिए। और आप यकीन मानिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो ना वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता ना, अकेले मैं रोता था, मैं रोता, आंखों से आंसू निकलते थे मेरे, राइट है। पर यही सोच के ये पहुंच लेता था ऐसा करके कि आज जिसकी वजह से मेरे आंसू निकल रहे हैं कल इनके आंखों में खुशी के आंसू होंगे और ये भी ऐसा बोलेंगे कि भगवान ऐसी औलाद सबको दे। आज कुछ लोग कुछ लोगों के माँ बाप आज ऐसा कहते हैं कि तुझसे बेहतर मैंने पत्थर को जन्म दिया होता ना तो चलता, राइट है। कुछ लोगों के माँ बाप कहते हैं मैंने एक ही चीज बोली थी कि आज इनकी मेरी आंखों में आंसू आने की वजह आज ये नहीं समझ पा रहे, पर जिस दिन इनको समझ पड़ेगी ना ये यूं कहेंगे कि भगवान ऐसी औलाद सबको दे, सबको दे, सबको दे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो अब आए हमारे बीच में हमारे ब्रांड न्यू ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिसेस सरोज कुमारी जी और डॉक्टर शक्ति जी। हाँ जी विजय जी, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी सुनकर, मिलते तो हम बहुत बार हैं और आपने रैली में सबको इंस्पायर किया, मैं खुद ही बड़ा ध्यान से मग्न हो गया बातों को सुनकर। और हम लोग की जो लाइफ में चैलेंजेज रहा है इतना चैलेंजेज नहीं था जितना आपने स्ट्रगल को फेस करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने चेंज किया है, लक्ष्य को हासिल किया, तो आप बहुत लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल हो। थैंक यू वेरी मच आपका, आप हमारे टीम में आए, सबको मिले, आप गाइड किए और परमात्मा आपको करे दिन दुना रात चौगुना आप ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। सो विजय भाई वंस अगेन, सच में यार आज तो आपकी स्टोरी सुन के ना अंदर से दिल गार्डन गार्डन हो गया, जो विवेक जी बोल रहे थे, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। और डेफिनेटली आई एम डैम श्योर भी आज हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने आपकी स्टोरी सुन के डिसीजन लिया होगा कि बहुत आगे जाना है और एक रोल मॉडल बनना है अपने पेरेंट्स के लिए, इस देश के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच विजय भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you.